नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम आए हैं वियतनाम, जो कि एक बहुत ही सुंदर देश है। तो हम हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद सबसे पहले एग्जिट गेट के पास जो सिम कार्ड की दुकान है, वहाँ से यहाँ का लोकल सिम कार्ड लिया। तो आज हमारा वियतनाम में पहला दिन है, तो यहाँ पे दो खूबसूरत जगह हम देखने वाले हैं। तो ये जाने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो स्क्रीन पर आप मोबाइल ऑपरेटर द्वारा दिए गए सिम कार्ड के प्लान देख सकते हैं। इस सिम कार्ड की कीमत $5 से $15 के बीच में है, जो कि डिपेंड करता है आप यहाँ पे कितने दिन स्टे करने वाले हो और आपको कितना मोबाइल डेटा आवश्यक है। उसके बाद हमने ग्रैब ऐप से होटल के लिए कैब बुक की, जो कि यहाँ पे बहुत सेफ ऑप्शन है और हम आपको यही ऑप्शन सजेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने होटल booking.com से बुक की, जो हमारे बजट में थी। यहाँ पे अपार्टमेंट या होम स्टे ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हमारा जो अपार्टमेंट है वो एक सिटी सेंटर में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के गलियाँ, यहाँ के रास्ते जैसे इंडिया जैसे ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी लेने के लिए, और ये हमारा लिटिल बॉय। आर यू फीलिंग कोल्ड? ठंडी नहीं बज रही है? तो ये क्यों पहना है? व्हाई यू वेयर दिस जैकेट? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ओके। मतलब ठंडी है ना? तो हम यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ के एंड में आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंडी है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप फेब्रुअरी या मार्च में यहाँ पे आते हैं हनोई में, तो आपको ठंड के कपड़े ज़रूर लाना चाहिए। और हमने यहाँ पे ग्रोसरी शॉप से बहुत सारी शॉपिंग की, कुछ चीज़ें खरीदी और उसके बाद फटाफट रूम पे गए, थोड़ा आराम किया, फिर शाम को हम बाहर निकले। तो अभी शाम के 6:15 है और हम आए हैं वियतनाम के सबसे पुरानी कला शैली वाटर पपेट शो देखने। ये वियतनाम का सबसे यूनिक थिएटर है, जो 365 दिन खुला रहता है। तो ये है हमारा आज का दूसरा स्पॉट, जिसे हनोई ट्रेन स्ट्रीट कहते हैं। यहाँ पे रास्ते के बीच में से हर रोज़ ट्रेन जाती है और जिसका अलग अलग टाइमिंग होता है, और वो टाइम चार्ट मैंने इस वीडियो के अंत में आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है, तो हमने लिया ऑरेंज जूस और देखो कितना सुंदर नजारा है। और हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लिए। और आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल पे आप मेरे पीछे बहुत सारे प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। तो इसी एक कॉफी स्टेशन में हम रुके हैं, या कि एक कॉफी बहुत ही स्पेशल है, तो देखते हैं वो कॉफी कैसी है, क्या है। तो ये आ गई है हमारी एक कॉफी। सो कैसी है टेस्ट? कॉफी हल्की से पन क्रीमी है। क्रीमी आइसक्रीम सर्द खाले हल्के और ओके। तो ऐसे लगता है आइसक्रीम खाया है हमने। ओह, एक कॉफी, फर्स्ट टाइम ड्रिंकिंग।